गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड। तो आज उसका चैप्टर टू है, वो पार्ट टू सॉरी। तो आज हम गुणनखंड करना सिखाएंगे। एक सवाल लेते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस सिक्स एक्स प्लस 5। पहले तो गुणनखंड करना सीखना है कि होता कैसे है। इसके क्वेश्चन है कि इसके गुणनखंड के गुणनखंड करो। जैसे उसने देखो दो वाले गुणनखंड आते हैं, कैसे, जैसे कि यहाँ ये लिख दें और यहाँ 45 लिख दें, यहाँ कुछ और लिख दें 9 45, यहाँ हम 200 लिख दें, यहाँ 200 लिख दें। इसके गुणनखंड तो बनते हैं, कैसे बनते हैं। देखो तुम लोगों ने देखा कि यहाँ कितने की घात है, 2 की, और 2 की घात वाला हमने बताया था बीच का तोड़ते हैं, कल बताया था बीच वाला व्यंजक मतलब स्टेप तोड़ते हैं, लेकिन 3 की घात का तो नहीं पढ़ाना अभी, तो आज 3 की घात का सीखना है। तो देखो कैसे सीखते हैं, हमेशा 3 की घात के लिए जो ये चर की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, चर की, तो इसको x बराबर 1 मान के, x बराबर 2 मान के, x बराबर 3 मान के, या x बराबर -1 मान के, या x बराबर -2 मान के, x बराबर -3 मान के, ये कब कब मानना है, जब तक इसकी वैल्यू x बराबर इनमें से कुछ रखने पे 0 नहीं हो जाती है। कैसे, मान लो हमने यहां रखा है, हमारे पास ये सवाल है, हमने देखी यहाँ 3 की घात है और गुणनखंड करना है, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि x की वैल्यू रखते हैं। अब हमने मान लिया कि x बराबर 1 रख के देखते हैं, इसमें x की बराबर 1 रखते हैं, तो देखो x की जगह 1 आ जाएगा, आ गया 1 की घात 3 माइनस 6 गुणे x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, माइनस लगाया माइनस 6 एकम 6 होता है, प्लस 5 होता है। अब देखो ये प्लस के 5 प्लस का 1, तो क्या प्लस के 6 नहीं हो गए, माइनस का 6 ये, और 6 में 6 गए 0, जो हमारा एक ही स्टेप में आ गया, मतलब x बराबर 1 में आ गया ना, x बराबर 1 में आ गया। तो देखो x बराबर 1 में आया ना, इसका पक्षांतर करेंगे, ये प्लस 1 है ना, अभी है ना प्लस 1, उस साइड पहुंचाएंगे x माइनस का 1 आ जाएगा ना, अब बराबर में क्या बचा 0 बचा ना, तो ये वाली वैल्यू का भाग देना है इसमें। अब देखो कैसे देते हैं, x माइनस, गौर से देखना बहुत है, जैसे कि भाग विधि होती है ना वो वाली, ये वाली भाग विधि देखी होगी, ये वाली सेम इसी प्रकार है, लेकिन वो किसकी है, वो केवल अचर संख्याओं के लिए है, और ये चर अचर इसमें होते हैं, बस ये अंतर है। x माइनस 1 आया था यहाँ, ये भाग का निशान लगाया भाग का निशान, सवाल जो था वो उतारा, इतना आया समझ में कैसे लिख दिया। अब देखो बहुत अच्छे से देखना, यहाँ x कितना है, यहाँ x कितना 1 है, यहाँ कितने है, हमें कितने और x की जरूरत है, 2, तो x की पावर 2 रख दे, है ना जरूरत, x की पावर 2, देखो x माइनस 1 है ना, यहाँ पहुंचने के लिए हमें कितना चाहिए, 2x चाहिए, तो इसमें गुणा हुआ किसका, x की पावर 2 का, तो देखो इन दोनों को क्या होता है, गुणा, यही लिखा है ना, देखो x माइनस 1 इन दोनों का गुणा किया। अब देखो x का x स्क्वायर में होगा, क्या x क्यूब नहीं बन जाएगा, आ गया ना, अब x का तो हो चुका है, अब माइनस लगा तो माइनस लगाओ, 1 का गुणा x स्क्वायर से, क्या ये नहीं आएगा, तो इतने का गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, इतना मिला ना, ठीक है। यहाँ देखो अब ये प्लस का, देखो
ये प्लस का है ना नीचे, तो माइनस में बदल दो, माइनस है तो प्लस में बदल दो। देखो ये कैंसिल नहीं हो गए, ये माइनस का क्यूब और ये प्लस का क्यूब हो गया ना, तो ये कैंसिल नहीं हो गए। अब बचा क्या? अच्छा ये दूसरे स्टेप में कितना लिखा है, एक एक्स वाला यानी केवल एक्स वाला चर है, एक ही चर है ना, यह एक्स की पावर कितनी है दो, यह एक्स की पावर कितनी है एक, तो ये नहीं कर देना कि छह में से एक एक्स चले गए, नहीं ये दुई पद वाला है, ये एक्स की पावर दो वाला पद है, तो यहाँ क्या ये प्लस में चेंज हो गया ना, तो एक्स की पावर दो ये आ गया माइनस छह एक्स, इतना आया समझ में, इतना आया। अब ये प्लस का पांच उतार सकते, उतारना हो उतार लो, एक चीज उतारा जाता है जैसे भाग में नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ x कितना है एक, यहाँ x कितने हैं तो यहाँ कितने x की जरूरत है, प्लस के x की माइनस के x, प्लस के तो प्लस प्लस होगा ना, देखो कहीं माइनस की तो जरूरत है नहीं है, तो प्लस का x। अब प्लस के x देखो x माइनस एक ये था ना, इसका गुणा आप किससे होगा, इस वाले से होगा, x का गुणा इसमें होगा तो क्या x स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस लगा x का गुणा एक में होगा तो क्या x नहीं आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x, तो यहाँ क्या रखेंगे x स्क्वायर माइनस x, इतना रखेंगे रखेंगे। अब देखो ये प्लस का है ना माइनस बनाओ, माइनस का है प्लस का बनाओ, ये अभी मत रखो तो चलो रख दिया तो ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं आया ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ देखो क्या ये नहीं कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ध्यान देना, ये माइनस का छह, ये प्लस का एक्स है ना, तो क्या माइनस के पांच एक्स खाली बचे, अब यहाँ क्या बचा पांच। अब देखो यहाँ कितना है, देखो यहाँ कितना है ओनली एक्स है, तो हमें ये तो है लेकिन हमें किसकी जरूरत है, पांच की जरूरत है, माइनस की भी जरूरत है, तो हम यहाँ माइनस भी लेंगे और x में किसकी जरूरत करना है, पांच की और जरूरत पूरी करना है पांच, समझ गए। अब इसका गुणा इसमें किसका, इसका गुणा ठीक है, तो x देखो x माइनस एक का गुणा माइनस पांच से करेंगे, ध्यान देना, तो x का गुणा पांच से होगा, पांच एक्स किसके माइनस के होंगे, अब एक का गुणा पांच से तो पांच तो आ जाएगा और माइनस माइनस तो माइनस पांच एक्स प्लस पांच, माइनस पांच एक्स प्लस पांच ये आ गया, ये माइनस तो प्लस बना दो, प्लस है माइनस बना दो, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा ये क्या आ गया, तो इसके गुणनखंड पता क्या हो गए, देखो इसके गुणनखंड निकालना था यार, लिखे दे रहे हैं, तो देखो एक्स क्यूब माइनस छह एक्स प्लस पांच बराबर इसके गुणनखंड लिखने ना, तो देखो पहला स्टेप यह आ गया x माइनस एक, दूसरा स्टेप क्या है ये वाला x स्क्वायर प्लस x माइनस पांच, सॉल्व आया समझ में, सवाल ना आए समझ में तो बताते जाना, ओके एक बार समझ ना हो तो नजर मार लो कहां से क्या होता है, जो समझ में ना आए पूछ सकते हो। आ गया ना समझ में, देखो एक बार फिर क्लियर करते हैं,
इसमें मान रखना है किसकी, चर का मान लेना है। एक्स बराबर एक नहीं आया तो एक्स बराबर माइनस एक मानो, एक्स बराबर दो देख लो, तीन देख लो, माइनस तीन देख लो, माइनस दो देख लो, आना चाहिए। तो हमने यहाँ देख लिया कि हमारा जीरो कहाँ प्रूव हो गया, एक्स बराबर माइनस एक पे हो गया, हो गया ना, एक्स बराबर एक रखने पे हुआ ना। इस एक को पक्षांतर किया तो हमारे पास कितना मिला, एक्स माइनस एक। तो इस एक्स माइनस एक का भाग देना है सवाल में, बस ये भाग देना पता चल गया। अब गुणनखंड कौन होते हैं, ये और इसका मल्टीपल, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो और इसी में अगर वो पूछ ले कि क्या पूछ ले, सवाल में हो कि एक्स माइनस एक का भाग कितने में देने पर क्या शेष मिलता है, तो क्या शेष है, अगर भागफल पूछे तो ये हो गया, समझ गए ना, क्योंकि देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, भागफल ये होता है, सिर्फ फल ये होता है, ठीक है, भाज्य भाजक। चलो अब नेक्स्ट बताते हैं सवाल। ये जितना हम बताते हैं ना साइड में, तो इसको नोट करते जाया करो, घर पे नोट करना है इसको, ताकि तुम्हें भी समझ में आया कि ये कहां से आया क्या। जैसे डायरेक्ट रख दोगे आंसर वाली चीजें तो नहीं आएगा समझ में, जब दो तीन बार रिवीजन करोगे। एक तो देखो ये रिकॉर्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक सवाल है, एक का क्यूब, ए का क्यूब, ए स्क्वायर, टू ए प्लस एट, ये बना सवाल, ये बना सवाल। वो सवाल था सिखाने बस के लिए, क्या वो सवाल बनता था तो वो भी जरूरी था, अभी वो आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने वो बता दिया, सिखा दिया, वो आसान लिया हमने, अभी कठिन आएगा। देखो इसको हल करना है तो इसका भी वही तरीका है, तुमने तो तीन की घात देखी तो एक ही वैल्यू कुछ रख दो, दो तरीके हैं हम बता रहे, जब भी चार स्टेप आ जाए, देखो तीन स्टेप और चार स्टेप में अंतर होता है, तीन स्टेप वाले को तोड़ना कठिन होता है, लेकिन चार स्टेप में कॉमन लेके तोड़ सकते हैं, समझ रहे हो। देखो ऐसे ये देखो ए का क्यू, ये बी का क्यू नहीं बन सकता, कैसे, देखो देखो ए का क्यूब ये उठा के यहां रख दिया, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए, इतना समझ में आया, इसको यहां रख दिया, ए का क्यूब प्लस, क्या ये दो का क्यूब नहीं है, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए, इतना आया समझ में। अच्छा ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब नहीं बन गया, देखो ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू दो है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बोलो ए प्लस बी और ए स्क्वायर, जल्दी बोलो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, पक्का, हाँ पक्का है ना, देखो ए का क्यूब बी का क्यूब, यानी पहले क्या आना है, ए प्लस बी आना ना, तो ए प्लस बी ये नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ए प्लस बी की वैल्यू ये आ गई, ये आया ना समझ में, कहाँ से आया, यहाँ देखो सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नहीं, सर अरे तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं सर सही, यहां लेकर नहीं, ये प्लस कर दे, ये माइनस कर दे, नहीं ये सर सही है, यहां पे ये सही है, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, पूरा फॉर्मूला तो सही था लेकिन आपने उल्टा सीधा बस रख दिया था, दिमाग के तेज हो,
हमारा सही है दिमाग, अगर वहां उल्टा लिख के आ गया तो क्या करोगी? वो उल्टा ही लिख के आएगा, हम गारंटी दिए हैं। एक आध सवाल ऐसे ही होंगे जिसमें फिर यहाँ का वहां कर दिया होगा, लेकिन दिमाग खराब, दिमाग खुद नहीं लगाते हो, वो सवाल हल करने को आ जाते हो, बताओ। और फिर बनते नहीं है सवाल, गलती इसी में होता है कि कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, बस गधों की जगह गधों का घोड़ों की तरह दौड़ते जाओ, गधों की तरह रेस में। ये नहीं है कि दिमाग लगाओ कैसे दौड़ना है, अब सवाल नहीं बनते। रीजन सवाल बनने का यही होता है। मैथ क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जब तक कॉमन सेंस नहीं लगाओगे ना, क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, करता है सब कोई, हार्ड वर्क करता है। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये है ना, तो इसमें लगाइए फॉर्मूला, a प्लस b लिख दिया प्लस सॉरी ब्रैकेट a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए और बी की वैल्यू कितनी है दो है ना। और अब ये वाला रखना है प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए, इतना है समझ में। अब देखो ए प्लस टू, चलो ए स्क्वायर प्लस चार लिख दें, इसे टू ए लिख दें, ए स्क्वायर लिख दें, टू ए लिख दें, इतना है समझ में, आया ना। अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ ए ए दोनों में है ना, ए कॉमन ले लें तो क्या ए प्लस टू नहीं बचा? देखो ये प्लस है ना, इसमें ए प्लस टू, इसमें ए प्लस टू, क्या ये कॉमन ले सकते हैं प्लस टू? ए प्लस टू ये कॉमन ले लिया पूरे से, तो इधर क्या बचा, ए का स्क्वायर प्लस चार माइनस टू ए, क्या बचा यहाँ, यहाँ बचा ए बस प्लस ए, इतना है समझ में। अब देखो ए प्लस टू वहां बचा, ए स्क्वायर देखो माइनस का टू ए और ए, तो माइनस का ए बचेगा ना, प्लस चार बचेगा, हो गया। इससे ज्यादा कुछ तोड़ सकते हैं क्या? अब नहीं टूट सकता कुछ। गुणन खंडों का मतलब होता है गुणा के खंड, खंड समझ रहे हो, कि इतना गुणा करें जैसे हम कहें आठ के गुणन खंड करो, तो तुमने तो ये देखा कि दो गुणे दो गुणे दो, जबकि गुणा इसके गुणन खंड ये भी हो सकते हैं। देखा फिर ये क्यों करते हैं? उस खंड का भी खंड जितना हो सके, इसके नहीं हो सकते किसी के, इसलिए इनको गुणन खंड कहते हैं। और उससे ज्यादा तोड़ा ना जा सके। क्या ये सवाल समझ में आया? तरीका ध्यान रखना, अगर कोई व्यंजक तीन स्टेप का है, ऐसा कुछ है, तीन स्टेप में है और स्क्वायर है, तो बीच का पद तोड़ना है। क्यू लगा है और तीन स्टेप में है, तो भाग का यूज करना है, एक ही वैल्यू रख के। अगर चार में दिख जाए तो कॉमन लेके हल कर लेना, लेकिन कब देखना है? देखो यहाँ ए का क्यूब दिख गया, तो भाई यहाँ अगर कहीं बी का क्यूब सवाल में नजर आ रहा है, तो हमें तो दिख गया था आठ से बी का क्यूब मिल जाए, तो करना है ऐसा, और नहीं है तो इसमें भी भाग विधि लग जाएगी, ये भाग वाली, समझ गए? तो दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि सवाल किस तरीके का आएगा। सवाल अगर आता है ए का क्यूब चार स्टेप में और तुमने देख लिया एक बी का क्यूब बना सकते हैं, देखो ए का क्यूब दिया है लेकिन बी का क्यूब बना सकते हैं, तो करना है। अगर तुमने यहाँ देख लिया इन चारों में से कहीं बी का क्यूब नहीं बन रहा है, सीधे भाग दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे भाग देना है। ओके ये पहली बार सवाल पढ़ रहे हो तो थोड़ा नई चीजें हैं, लेकिन बार बार अगर इसी वीडियो को देखोगे ना बनने लगेंगे।
साथ में देखो कुछ नहीं है, देखो a बराबर 2x माइनस 1 दिया है, b बराबर 2x माइनस 2 दिया है, c बराबर 3x माइनस 4x दिया है, c बराबर 3 माइनस 4x इतना दिया है ना। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या करेंगे एक तो रास्ता ये है कि a की इनकी इनकी वैल्यू रख दो, हमें तो ये दिख रहा है अभी फिलहाल। और एक काम और कर सकते हैं, अच्छा एक फॉर्मूला पड़ा है ना, ये किस फॉर्मूले में आता है, क्या ये a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर में कहां से क्यूब आ जाएगा, ये वाला लिख पाया क्या? नहीं, ये हम ढूंढ के लाने को कहा था, लाए हो ना, तो याद क्यों नहीं है? यहाँ देखो बताओ, प्लस में की माइनस में, प्लस में ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट में सी प्लस सी क्यू के बाद सी क्यू में थ्री ब्रैकेट में ए प्लस बी ए प्लस बी सही है, ब्रैकेट वन फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी फिर ब्रैकेट वन ब्रैकेट में सी प्लस ए। याद है ना, ये याद कर लेना बहुत जरूरी है। सवाल कैसे पहचानेंगे, वहां कभी तुम्हें एबीसी की वैल्यू दी गई हो, देखो आंसर तो इससे भी आ जाएगा कि एबीसी की वैल्यू रख दो फिर क्यूब करो, देखो ए माइनस बी का क्यूब नहीं बन जाएगा, तो ए माइनस बी के तीन बार फॉर्मूले रखने पड़ेंगे ना, बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे देखो तो क्या ये चीज किसी में आती है, तो तुम्हें याद आएगा कि a प्लस बी प्लस सी के फुल क्यूब में आती है, उसका फॉर्मूला अलग से लिख लो बस, फिर बन जाएगा। देखो क्या ये चीज है, ठीक है, देखो इसी में रखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए ना, यहाँ प्लस प्लस नहीं है, पर है ना प्लस, बोला हमने प्लस, ऐसा है हाँ, यहाँ देखो इतने की वैल्यू चाहिए, तो ये सभी प्लस ये प्लस में है तो उस साइड पहुंचा दे, देखो ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये सारी गुणा में लिखे हैं, तो ये पूरा स्टेप उठा के वहां क्यों, क्योंकि हमें तो केवल इतने से मतलब है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस में बन जाएगा ना, थ्री प्लस ए, देखो ये माइनस बन गया, ये थ्री और ए प्लस बी, तो यही हम लो हम पहले फॉर्मूला बनाए दे रहे हैं, ये किसका बन गया, इसका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, इतना आया समझ में, देखो हमें ये इसका मतलब चाहिए, इसका आंसर चाहिए ना, तो इसको हमने ये जो प्लस में था उस साइड बराबर के पहुंचाया तो माइनस में आ गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला न लगा के एक और फॉर्मूला होता है, देखो चलो यहाँ क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी लिखा ना, a की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1 है ना, प्लस लगा, b की वैल्यू 2x माइनस 2, c की वैल्यू 3 माइनस 4x, ये और इसका क्या है होल क्यूब है, ध्यान करना है ना। अब देखो माइनस लगाया 3 लगाया a प्लस बी लिखा ना, तो देखो यही देखते हैं, देखो a प्लस बी करना यानी जोड़ना है,
तो 2x और 2x कितने हो गए 4x और माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 तो 4x माइनस 3 जगह ज्यादा घेर जाता है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं ठीक है। अब b प्लस c कहा b प्लस c तो देखो प्लस के 2 और माइनस के 4 क्या माइनस के 2 नहीं आ जाएंगे प्लस के 3 माइनस के 2 क्या प्लस का 1 नहीं आ जाएगा है। अब c प्लस a C और A को जोड़ना तो देखो 2x और माइनस के 4x तो माइनस के 2x आ जाएंगे प्लस के 3 माइनस का 1 क्या प्लस के 2 नहीं आ जाएंगे। अब देखो 2x 4x और 4 में 4x गए 0 कैंसिल हो गया ये माइनस 1 है ना माइनस 1 माइनस 2 हो गए माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो गए तो 0 की घात 3 0 तो इतने का आंसर क्या हो गया 0 देखो 0 आ गया ना ठीक है। सो क्या 0 रखने की जरूरत है इतने का आंसर लो हम 0 रख के दे रहे हैं माइनस 3 लिखाना 3 लिखाना और ये तीनों किसमें है गुणा में है ना। देखो इसमें आंसर कैसा फैक्टर के रूप में चाहिए चलो लियो करते हैं गुणा 3 रखा अच्छा इससे कॉमन लेकर सकता है कुछ लेकर आएगा देखो 4x है 2x है 2x है क्या इससे 2x नहीं निकाल सकते नहीं निकलेगा क्योंकि गुणा है। हाँ सही कह रही हो इसमें 2 निकालना पड़ेगा इसमें भी 2 निकालना पड़ेगा इसमें 2 चलो सीधे गुणा करते हैं हमें नहीं आता समझ लो तो इसका और इसका गुणा करें पहले इन दो का 4 × 2 = 8 ध्यान करना और ये किसका है माइनस का है और ये माइनस का 3 पहले चल रहा है ध्यान देना तो बड़ा ब्रैकेट लिए ले रहे 4 × 8 एक्स का एक्स स्क्वायर आएगा 4x + 4x और माइनस 3 माइनस 2 तो क्या प्लस के 6x 3 × 6 माइनस माइनस और एक्स का एक्स माइनस के 3 का 1 में माइनस 3 ये हो गया ना। अब इतना का गुणा किसके साथ माइनस 2x + 2 के साथ करना है इधर लिख दे रहे हैं तो यहाँ माइनस के 3 है। अब देखो माइनस के 2 माइनस के 8 तो कितने हो गए अच्छा देखो इससे चलो नहीं कॉमन निकल सकता 8 × 2 = 16 ये गुणा में है ध्यान देना 8 × 2 = 16 बड़ा ले लेते हैं 16 लिया लेकिन ध्यान देना माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब भी हो जाएगा ना। अब इसमें करेंगे 4 × 8 ये तो बहुत बड़ा खिंच जाएगा यार आंसर तो आ जाएगा लेकिन इतना बड़ा आंसर देखो इससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन इसका एक और आसान तरीका है इसे वैल्यू पुट कर दें बड़ा हो रहा है ना। अब वहां ऐसा नहीं करते रहे ना कि सवाल ही में उठ जाओ अब जैसे देखो हमें दिख रहा है कि इससे और करेंगे तो आंसर तो आ जाता है तरीके बहुत होते हैं सवाल हल करने के लेकिन क्या कर सकते हैं देखो एक तरीका ये भी है अगर देखो हमने तो यहाँ देखा 2x या माइनस के 4x एक काम करो तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालते हैं पहले a प्लस b प्लस c की वैल्यू देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 2x माइनस 1 ये a की हो गई प्लस 2x माइनस 2 b की हो गई और 3 माइनस 4x c की हो गई देखो 2 और 2 हो गए प्लस के 4x और 4x और 4x कैंसिल माइनस के हैं बता रही 8x यहाँ देखो
यहाँ जीरो आ गया तो कोई मतलब नहीं, माइनस के एक माइनस के दो हो गए माइनस के तीन और प्लस के तीन, मतलब टोटल आंसर जीरो। जब भी तुम्हारा ए बी सी की वैल्यू दी गई हो, दिमाग में रखना ए बी सी की वैल्यू दी गई हो तो इसमें क्या करना है, तीनों की वैल्यू जोड़ना है। अगर जीरो आ जाए तो इसका किताब में क्या है, ए का क्यू, इसका मान निकाल लेना, ए का क्यू बी का क्यू सी का क्यू निकाल लेना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना थ्री ए बी सी। क्यों? क्योंकि देखो ए बी सी जोड़ते हैं, एक फॉर्मूला होगा उसमें पूरा ए बी सी जीरो हो जाएगा, है ना। वही हम कह रहे थे कि ये याद करके आना, लेकिन अब हमें बताया नहीं तो देखो खिंच गया ना सवाल। तो दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के चलना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब जहां से ये आ गया तो बस क्या इसका मान नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे अब? साफ साफ देख रहा फॉर्मूला रख दिया, उसमें लिखा होगा फॉर्मूले में जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तब ये लिखा होगा, लिखा है ना, उसकी सिचुएशन है कि अगर ए बी सी की वैल्यू दी गई है और तीनों को जोड़े और जीरो आ जाता है तो डायरेक्ट ये रख सकते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ तो अब बस कुछ नहीं करना है, देखो इतने की वैल्यू हमें चाहिए तो इसमें तो मान रखना नहीं है, इसमें रखते हैं थ्री ए की वैल्यू टू एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू टू एक्स माइनस टू, सी की वैल्यू थ्री एक्स माइनस फोर। कुछ नहीं, अब बड़ा कर दो, देखो तीन दो दूनी चार एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, दो दूनी चार और एक्स नहीं आएगा, माइनस एक माइनस दो वो सॉरी प्लस दो माइनस के दो एक्स नहीं आएगा, माइनस एक और देखो माइनस माइनस प्लस दो ये कम दो, ये इतने दो की हल हो गई ना। अब तीसरे के हल करते हैं, देखो यहाँ अब इनको हल कर लो, कर लोगे कि हम करें? देखो कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, नहीं तो कॉमन निकाल देते, ठीक है। सवाल सही है ना, ठीक है ठीक है। यहाँ देखो इनका गुणा कर लो, देखो ये देखो चार और दो कितने हो गए, देखो ये भी एक्स है ना, तो चार और दो हो गए छह, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो चार एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स प्लस दो लिख सकते हैं, गुणा करना है तीन माइनस चार एक्स में करना है ना। फिर आते हैं अब देखो तीन, अब गुणा कर देते हैं, तीन का गुणा करते हैं तो बारह एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तीन का गुणा इसमें करेंगे तो छत्तीस अठारह एक्स नहीं हो जाएगा, तीन का गुणा इसमें करेंगे तो छह नहीं हो जाएगा, तीन वाला निपट गया। अब माइनस के चार एक्स का गुणा करना है तो देखो माइनस प्लस हो गए माइनस, चार चुके सोलह सोलह एक्स, चार चुके सोलह, अरे रुको चार चुके सोलह और एक्स क्यूब नहीं होगा, ठीक है। अब चार छह चौबीस प्लस के नहीं होंगे, होंगे ना, चार छह चौबीस और एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और चार दूनी आठ माइनस के नहीं होंगे और एक्स हो जाएंगे, कुछ बचा क्या, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ घटा लो, जोड़ो घटा लो, देखो देखो एक्स क्यूब वाले कितने हैं, सोलह है और कुछ है क्या, पक्का चलो देखते हैं क्या आता है। अरे देखो यहाँ, देखो यहाँ सोलह एक्स क्यूब बचा ना, एक्स स्क्वायर कितने हैं, एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर, तो बारह और चौबीस हो गए छत्तीस, हो गया ना बारह चौबीस छत्तीस, माइनस के अठारह और माइनस के आठ, अठारह आठ छब्बीस नहीं हो गए, और छह और कुछ है क्या, प्लस के है ना, बस लो इतना आंसर है। क्या कॉमन निकल सकता, कुछ निकलेगा, दो निकल आएगा, दो तेरा दो निकल आएगा कॉमन, देखो दो इससे क्या इसमें दो गुणनखंड नहीं निकाल सकते, क्या इसमें नहीं निकाल सकते, क्या इसमें नहीं निकाल सकते, इसमें निकल आएगा। देखो x नहीं निकाल सकते क्योंकि देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ क्या यहाँ है,
नहीं है ना, तो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, मान लो दो कॉमन निकाल लिया तो तीन दूनी छह आ जाएगा। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, लो माइनस के आठ एक्स क्यूब बचे ना, प्लस 18x² बचे ना, माइनस 13x बचे ना, प्लस 3 बचे ना। एक फॉर्मूला गलत हो जाए ना, प्लस का माइनस तो ये होता है। बताओ पूरा हल कर लिया था, कठिन थोड़ी था, बन आ गया कठिन। पहले जो बताया था ना वो फॉर्मूला लगने ही नहीं था। देखो वो लगता है कब लगता है, जब तुम्हें क्यूब वाली वैल्यू दी गई हो, क्योंकि इतने बड़े सवाल नहीं आते हैं। ये भी बहुत मुश्किल है कि आ जाए, आ तो जाएगा लेकिन वहां डायरेक्ट पूछेगा। जैसे ये जीरो आ गया ना, तो इसमें ये निकालना है ना, तो अगर तुम्हें ये याद है 3abc, तो तुम्हें ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुमने जोड़ के देख लिया 3abc की मान रखोगे।